मंत्री ने राष्ट्रपति के लिए अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया और कहा कि उनकी शक्ल ठीक नहीं है, मैं नहीं देखना चाहता हूँ उनको। ये गलत बात है, कौन कहे करे राष्ट्रपति पर कुछ बोलना उचित है? कोई राष्ट्रपति बनेंगे और उन पर कुछ बोलना, तो ये आश्चर्य की बात है, कैसे कोई बोल सकता है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुनर्स्थापित प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और वहीं उन्होंने अनावरण किया है। बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री जो हैं अशोक चौधरी भी मौजूद थे, साथ ही विजय चौधरी भी मौजूद थे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनर्स्थापित प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है याद किया है। तो वहीं बता दें आपको कि बिहार में जिस तरीके से कुर्नी में उपचुनाव होना है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम बातें कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो सुने आप। आप लोग तो जान रहे हैं, इसका नामकरण तो हम लोगों ने नेहरू पति किया, पहले इसका लोग बोल रहा था जवाहरलाल नेहरू, चर्चा कर नहीं रहा था पुराने नाम, हमने कहा कि इसका नाम करके हमने कर दिया कि नेहरू पथ होगा, और नेहरू पथ सब जगह हो गया। और बात तो आप जानते हैं कि वो जो पटना जंक्शन के पास जो है इनका बना हुआ, बगल में आप जानते ही हैं फ्लाई ओवर बन गया, तो फ्लाई ओवर बनने के बाद इनका ठीक नहीं लग रहा था, तो वही देख करके हमने कहा कि यहीं पर तो हम लोगों का मेन जगह है सरकार का और आजादी की लड़ाई का मामला है, इसलिए यहीं पर एक तो नेहरू पथ दे ही रहे और यहीं पर हमने देख करके कहा था कि यहीं पर ला करके रख दिया जाएगा, तो ज्यादा वहां तो कोई देख नहीं पाएगा। अब यहां पर लोग नई पीढ़ी के लोग और बगल का भी कार्यक्रम रख दिया है, जो एक एक और सब जगह पूरा का पूरा वृक्षारोपण ठीक ढंग से किया जाएगा, हमने आज बता दिया सर। ये बगल वाला एरिया है, उसको भी इस तरह से विकसित किया जाएगा वृक्षारोपण, और उसमें भी बनाया जाएगा वाटर बॉडी भी बना दिया जाएगा, ताकि लोग छठ वगैरह का भी काम जो करते हैं यहाँ पर पूरा एरिया आपको अच्छा सर। सर एक सवाल है, टीएमसी के एक मंत्री ने राष्ट्रपति के लिए अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया और कहा कि उनकी शक्ल ठीक नहीं है, मैं नहीं देखना चाहता हूँ उनको। ये गलत बात है, कौन कहे करे राष्ट्रपति पर कुछ बोलना उचित है? देश में कोई राष्ट्रपति बनेंगे और उन पर कुछ बोलना, तो ये आश्चर्य की बात है, कैसे कोई बोल सकता है? इसलिए हमको नहीं पता है, तो बहुत गलत बात है, कोई भी बोलता है। अरे वो तो आपको आज पार्टी तो जब वो अनाउंस कर ही दिए हैं तो हमसे क्या के लिए पूछ रहे हैं? ठीक है।